हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। बच्चों, इंग्लिश ग्रामर के आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे एडवर्ब्स के बारे में। ठीक है, ये क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये हम इस चैप्टर में आज समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एडवर्ब्स, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। बच्चों, वो वर्ड्स जो आपके वर्ब को या आपके एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। ठीक है, एग्जांपल, सून, ऑलवेज, नेवर, स्लोली, हार्डली, वेरी, क्वाइट, वेल, इनफ एक्सेट्रा, ये सारे आपके एडवर्ब के एग्जांपल हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। फर्स्ट, सोहन रन्स क्विकली एड्स समथिंग टू द वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ब के साथ क्या ऐड किया है, एडवर्ब ऐड किया है, क्विकली। सेकंड है आपका, दीज आर वेरी सॉर ग्रेप्स एड्स सम टू द एडजेक्टिव। थर्ड, मोनिका सॉल्व द सम क्वाइट इजीली एड्स समथिंग टू द एडवर्ब। इतना क्लियर है बच्चों आपको? आगे चलते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स की तरफ। ठीक है, कितने तरह के एडवर्ब्स होते हैं? एडवर्ब्स आर ऑफ थ्री काइंड्स। कौन कौन से? फर्स्ट है आपका सिंपल एडवर्ब, सेकंड इंटरोगेटिव एडवर्ब एंड थर्ड इज रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे सिंपल एडवर्ब के बारे में। सिंपल एडवर्ब्स आर ऑफ द फॉलोइंग सिक्स काइंड्स। ठीक है, फर्स्ट है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, टेल्स अस हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन टेक्स प्लेस, इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ। जिस काम में को कैसे किया जा रहा है वो हमें किसके थ्रू पता चलता है, एडवर्ब ऑफ मैनर के थ्रू पता चलता है। एग्जाम्पल, ही स्पोक्स सॉफ्टली एंड जेंटली। ठीक है, वो कैसे बात करता है, वो सॉफ्टली और जेंटली बात करता है। मोर एग्जाम्पल, स्लोली, हैप्पीली, एंग्रीली, हॉटली। नेक्स्ट है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, टेल्स अस वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस, इट आंसर द क्वेश्चन वेयर। ठीक है, ये उस काम के बारे में बताता है कि ये काम कहाँ पे हुआ है। एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन आर स्लीपिंग इनसाइड। ठीक है, बच्चे कहाँ सो रहे हैं, बच्चे अंदर सो रहे हैं। मोर एग्जाम्पल्स, आउटसाइड, हेयर, देयर, आउटवर्ड, इनवर्ड्स, इन, आउट, विद इन, अबव, बिलो, नियर, फार। अब आते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम की तरफ। एडवर्ब ऑफ टाइम, टेल्स अस व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस, इट आंसर द क्वेश्चन व्हेन, ये उस काम के बारे में बताता है जो पूछा जा रहा है कि ये काम कब हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल, हिज ब्रदर विल विजिट अस सून, वो कब आएगा, वो बहुत जल्दी आएगा। मोर एग्जाम्पल, टूडे, यस्टरडे, टुमारो, लास्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, ईयरली, लेट, अगो, नाउ, ऑलरेडी, आफ्टरवर्ड, इमीजिएटली। नेक्स्ट है आपका एडवर्ब ऑफ नंबर, फ्रीक्वेंसी, टेल्स अस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्शन, इट आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन, अब ये बताता है कि काम कितनी बार हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल, हर सिस्टर विजिट द चर्च सम टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे बताया कि वो चर्च कितनी बार आती है, वो कभी कभार चर्च आती है। मोर एग्जाम्पल्स, सम टाइम, ऑफन, नेवर, रेयरली, ईयरली, फ्रीक्वेंटली, वंस अगेन, सेल्डम। आगे चलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री की तरफ। एडवर्ब ऑफ डिग्री, टेल्स अस टू व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन इज डन, इट आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। ठीक है, ये बताता है कि कोई काम कितना हुआ है। एग्जाम्पल, रवि हार्डली हेल्प अराउंड इन द हाउस, रवि जो है वो अपने हाउस में बहुत कम काम करता पाया जाता है। ठीक है, मोर एग्जाम्पल, रेदर, फुली, पार्टली, क्वाइट, इनफ, ऑल टुगेदर, वेरी, ऑलमोस्ट। आगे चलते हैं एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन, एम्फसाइज ऑन द ट्रूथ और द फॉल्सहुड। ठीक है, ये आपके सच या झूठ पर जोर देता है। एग्जाम्पल, आई हैव नेवर मेट योर फादर बिफोर, मैं तुम्हारे फादर से पहले कभी नहीं मिला। मोर एग्जाम्पल, नेवर, सर्टेनली, येस, नो, नॉट, एनी। ठीक है, क्लियर है बच्चों आपको? तो बच्चों आगे चलते हैं सेकेंड एडवर्ब की तरफ, जो कि है इंटरोगेटिव एडवर्ब। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज टू फ्रेम क्वेश्चंस, वर्ड्स लाइक where, when, how and why are used to ask question।
बच्चों इंटरोगेटिव का मतलब ये होता है कुछ पूछना, ठीक है। तो इंटरोगेटिव एडवर्ब आपके वो एडवर्ब होते हैं जहाँ पे आप सामने वाले से या कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसे वर्ड्स में हम क्या यूज़ करते हैं, वेयर, व्हेन, हाउ, हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं अपना क्वेश्चन पूछने के लिए। एग्जाम्पल वन, वेयर आर योर फ्रेंड्स, तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ हैं। सेकेंड, हाउ डिड यू फाइंड दैट फंक्शन, तुम्हें उस फंक्शन के बारे में कैसे पता चला। मोर एग्जाम्पल, वेन, हाउ लॉन्ग, विद, हाउ ऑफन, वेयर, हाउ फार, वाई। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज टू इंट्रोड्यूस अ नाउन क्लॉज, ठीक है। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स को हम यूज करते हैं किस लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए नाउन क्लॉज को। एग्जाम्पल, नीतू हैज नॉट टोल्ड मी वाई शी इज नॉट कमिंग फॉर द क्लास रियूनियन। क्लियर है बच्चों, आगे चलते हैं थर्ड एडवर्ब की तरफ जो कि है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लॉजेस, दे ज्वाइन टू सेंटेंसेस। ये क्या करता है, ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है उनके बीच में रिलेशन दिखाने के लिए। एग्जाम्पल, दैट इज द हाउस वेयर ही गॉट मैरिड, ठीक है। अब यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं, दैट इज द हाउस, ही गॉट मैरिड, ठीक है। अब इसमें क्या किया, एडवर्ब वेयर लगा करके इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया। मोर एग्जाम्पल, वेन, बिफोर, वेन एवर, लेस्ट, सो दैट, हाउ मच, हाउ फार, ये सारे रिलेटिव एडवर्ब के एग्जाम्पल हैं। अब आते हैं पोजिशन ऑफ एडवर्ब की तरफ, ठीक है। एडवर्ब की पोजिशन आपको कहाँ कहाँ लगानी है ये हम समझ लेते हैं। द करेक्ट प्लेसमेंट इज इम्पॉर्टेंट, यू मस्ट नोट दैट एन एडवर्ब इज नेवर प्लेस्ड बिटवीन द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एडवर्ब का जो प्लेसमेंट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है, क्यों, क्योंकि अगर आप उसको सही जगह पे नहीं लगाओगे तो आपका सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं लगेगा, और ये कभी भी वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं लगता। एग्जाम्पल्स, वन, सरिता एट फूड स्लोली। सेकेंड, सरिता एट स्लोली फूड। आगे चलते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर्स आर मोस्टली प्लेस आफ्टर इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। जो आपके एडवर्ब ऑफ मैनर्स होते हैं वो मोस्टली कहाँ लगते हैं, आपके इंट्रांजिटिव वर्ड के बाद लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, नीतू इज स्लीपिंग साउंडली। एडवर्ब ऑफ मैनर दैट क्वालिफाइड ट्रांजिटिव वर्ब आर प्लेस आफ्टर द ऑब्जेक्ट और बिफोर द वर्ब, ठीक है। जो एडवर्ब ऑफ मैनर आपके ट्रांजिटिव वर्ब को क्वालिफाई करते हैं वो हमेशा कहाँ लगते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद लगते हैं या फिर वर्ब के पहले लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, एग्जाम्पल वन, हर चिल्ड्रन आर रीडिंग द लेसन लाउडली। सेकेंड, हर चिल्ड्रन आर लाउडली रीडिंग द लेसन। हेयर एडवर्ब ऑफ मैनर कैन ऑल्सो बी यूज एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल, लाउडली, हर चिल्ड्रन आर रीडिंग द लेसन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, लाउडली जो आपका एडवर्ब है वो सेंटेंस के पहले लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एडवर्ब ऑफ मैनर्स इज ऑल्सो प्लेस्ड इन बिटवीन द ऑक्सिलरी वर्ब एंड द मेन वर्ब। जो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है वो आप ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में भी लगा सकते हो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, अनिल मस्ट क्विकली फिनिश दिस वर्क। आगे चलते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम आर यूजली प्लेस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। जहाँ पे आपको प्लेस दिखाना है, एडवर्ब ऑफ प्लेस दिखाना है या एडवर्ब ऑफ टाइम दिखाना है, वो यूजली आप कहाँ लगाते हो, सेंटेंस के एंड में लगाते हो, ठीक है। एग्जाम्पल, अंजू इज सिंगिंग आउटसाइड, ठीक है। यहाँ पे आप प्लेस दिखा रहे हो तो आपने उसको सेंटेंस के कहाँ लगाया, बाद में लगाया। माई अंकल इज लिविंग फॉर ऑस्ट्रेलिया टुमारो, ठीक है। अब यहाँ पे आप टाइम बता रहे हो कि उसके अंकल को ऑस्ट्रेलिया कब जाना है, कल जाना है, ठीक है। समटाइम्स द एडवर्ब ऑफ टाइम कैन ऑल्सो बी प्लेस बिटवीन द ऑक्सिलरी वर्ब एंड द मेन वर्ब, ठीक है। कभी कभी हमें एडवर्ब ऑफ टाइम दिखाना है तो हम उसे ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में भी रख सकते हैं। एग्जाम्पल, द ट्रेन विल सून लीव फॉर जयपुर, ठीक है। आगे चलते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी आर यूजली प्लेस बिफोर द मेन वर्ब एंड आफ्टर एनी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। अगर आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दिखाना है तो आप उसको मेन वर्ब के कहाँ रखते हो, आगे रखते हो, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद रखते हो, ठीक है। एग्जाम्पल्स, वन, मिस्टर शर्मा ऑलवेज हेल्प्स अस। सेकेंड, पूजा हैज नेवर मेट हर स्टेप फादर, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलवेज नेवर क्या है, आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो ये उन्होंने बताया कि ये आपके मिडल में लगे हुए हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कैन ऑल्सो बी प्लेस एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, अब बताया गया कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कभी कभी क्या होता है, आपके बिगिनिंग में भी लगता है और आपके एंड ऑफ द सेंटेंस में भी वो लगाया जा सकता है. एग्जाम्पल्स, वन, ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स. सेकेंड, गगन कॉल्स ऑन अस समटाइम्स. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ऑलवेज और समटाइम्स क्या है, आपके एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी है. तो इसमें बताया गया है कि फर्स्ट सेंटेंस में आपका ऑलवेज जो था वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगाया था, बिगनिंग में लगाया था, और सेकेंड एग्जाम्पल में समटाइम्स जो है वो कहाँ लगाया है, सेंटेंस के एंड में लगाया. ठीक है, आगे चलते हैं. एडवर्ब्स ऑफ डिग्री कम इमिजिएटली बिफोर द वर्ड्स दे क्वालिफाई. ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री उन वर्ड के आगे लगता है जिनको वो क्वालिफाई कर रहे होते हैं. एग्जाम्पल, मुकेश स्पोक रैदर फास्ट. ठीक है, आगे चलते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन की तरफ. सिमिलर टू डिग्री ऑफ कंपैरिजन इन एडजेक्टिव, एडवर्ब आल्सो हैव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. ठीक है, एडजेक्टिव की ही तरह एडवर्ब की भी अपनी डिग्री होती है. कौन कौन सी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. एग्जाम्पल, अर्ली अर्लियर अर्लीएस्ट, लो लोअर लोएस्ट, स्लोली मोर स्लोली मोस्ट स्लोली, जेंटली मोर जेंटली मोस्ट जेंटली. सम इररेगुलर फॉर्म्स आर एज फॉलोज, वेल बेटर बेस्ट, मच मोर मोस्ट, लिटिल लेस लीस्ट, बैड वर्स वर्स्ट. नोट, द रूल्स ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन ऑफ एडवर्ब्स आर सिमिलर टू द रूल्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव. ठीक है, जो एडजेक्टिव के रूल्स थे कंपैरिजन में, वही रूल आपके कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब में भी रहेंगे. तो बच्चों, आई होप आपको एडवर्ब का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. अब दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है.